हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। और पिछले वीक हम लोग गए हुए थे घूमने साउथ इंडिया, जिसका ब्लॉग सारा पड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और फिलहाल अभी हम लोग को बाहर जाने का कोई प्लान नहीं है, और अभी हम लोग जा रहे हैं चितरंजन में थोड़ा जंगल के घूमने के लिए। जंगल चितरंजन में बहुत जंगल है, पहाड़ है, अरे क्या नहीं है, सब कुछ है यहाँ पर, सारा चीज़ नेचुरल है। तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं बैर खाने के लिए, और बहुत सारा बैर, मीठा मीठा बैर मिलता है यहाँ पे, तो उसी के लिए जा रहे हैं। और मेरे साथ में गुंजन भाई आ रहे हैं, और उनका क्वार्टर है यहाँ पे, अभी क्वार्टर चेंज नहीं किए हैं। और बचपन में तो बहुत बैर खाए हैं हम लोग, जब पढ़ने जाते थे तो बैर खाते थे, और अभी भी बैर अच्छा ही लगता है। तो चलिए, तोड़ के बैर खाने का मज़ा क्या अलग है, चलिए आप लोग को दिखाते हैं और इन्जॉय करते हैं, आइए। ये यहाँ से जो पैदल हम लोग जाते हैं रास्ता, वो वाला क्या ये वाला उतरिए ना। सुजीत के साथ पैदल घूमते हैं? हाँ हाँ, एक दिन लिया गया था। अच्छा, वही रूट। हम तो हमेशा जाते नहीं हैं, एक दिन लिया गया था। चलिए, यहाँ से लगता है राइट लेना पड़ेगा, यहाँ पे तो है, रुके जाए, रुकिए, यही बह रहे हैं ऊपर में। देखते हैं क्या मिलता है। अरे तो पकड़ाएगा, ये तो दूर है। कैसे हैं जी? खट्टा लग रहा है, मीठा नहीं है, तीखा है, इसको छोड़िए। इधर से जा सकते हैं, क्या बना हुआ है ये? तो पानी, इस तालाब में पानी भरा हुआ है। बताइए। हम लोग बहुत खाते थे हर बचपन में, बहुत खाए हम लोग। पेड़ वाला है वो, सब छोटा छोटा रहता है, जंगली बेर होता है, जंगली बेर नहीं होता है ये, और मारना बड़ा मुश्किल है। हो ये सब बड़ा सारा व्यवस्था कर चुके हैं, लेकिन पता कैसे चलेगा कितना पहले से गिरा हुआ है। ये सब पकलका लगता है कि ठीक है, ठीक तो है, गिरल गिरल भी पक गया है, पहले का जो गिरा हुआ है ना, ताजा नहीं है, ताजा की नहीं, कैसा है पहले ही देखते हैं। ठीक है जी, ठीक है, नीचे डंडा रखा हुआ, मतलब ठीक है, समझिए। ये वाला है मीठा है, गिरने के बाद सब एक ही हो जाता है। है मीठा है, धीरे धीरे मारी, गिरा तो दे रहे हैं हम लोग, मत गिराइए, तू नहीं पाएगा ऐसा। बहुत मीठा है, बहुत मीठा, मस्त लग रहा है, रखते थे पॉकेट में। वो वाला में देखिए तो वो कैसा है, ना लगता है बढ़िया है, हमको लगता है, धीरे से मारिए। अभी यहाँ बैठ खा के और आगे निकलते हैं हम लोग, और ये पका हुआ है लेकिन पहुँच से बाहर है, इसी में डूब जाइए।
की। ये फतेहपुर डैम है, इतना चितरंजन का पानी, वो लेक था, उस सारा लेक यहीं पे पानी रोका हुआ है, स्पिलवे से पानी गिर रहा है और यहाँ से पानी सप्लाई भी किया जाता है वर्कशॉप को रो में रो वाटर, जहाँ पे अनट्रीटेड वाटर की ज़रूरत पड़ता है उसके लिए यहाँ से सप्लाई जाता है और पीने के लिए तो सीधा बाड़ी से आता है। यही है जो रॉ वाटर के लिए जाता है सप्लाई, यहाँ से कनेक्शन लिया हुआ है। वाह क्या नज़ारा है, कितना गंदा महक रहा है मछली वाला। मेरे को तो डर लग रहा है भाई। लेकिन मीठा होगा, चलिए ना भाई। कैसे चला रहे हैं जी, इमली का पेड़ है, फड़ा है इमली, इमली है ना? हाँ इमली है नहीं, एक दो है ऊपर में। हाँ ऊपर में बहुत है, देखिए ना इधर। कहा जी ऊपर में बहुत सारा है जी, ठंडा रहता तो मारते। सुने है ना, सुने हैं कि इमली के पेड़ पे भूत रहता है। रात के सोचना पड़ेगा फिर। है इमली ऊपर में बहुत सारा, नीचे वाला सब तोड़ लिया है। बेलवा को देखते हैं, ये भी पहुंच से बाहर है ना जी, एक दिख रहा है पहुंच जाएंगे यहाँ पे। बड़ा बड़ा है। ओ तेरी की। बेर खट्टे हैं। इमलिया थोड़ा सा तोड़ते तो हम ना मजा आता है। यहाँ पे दिख रहा है, मार सकते हैं इसको। फेंक के मारना, ऊपर तो ज्यादा है, फेंक के मारना पड़ेगा। गलिया थोड़ा आगे करिए, थोड़ा सा आगे करिए, उसके बाद मारते हैं। पत्थर रहेगा तो अच्छा सुनेगा, तो ईटा उटा लावे पड़ेगा अगला। हाँ वो वाला पत्थर वाला तो मर गया था। अरे लगा तो, हाँ गिरा है, गिरा है। अरे बढ़िया है जी, बहुत तेरे को इसको पनिया में डाल दीजिएगा ना, ले भी और मारते हैं ठीक है। हाँ खाया है भाई, उसी पे टारगेट करके मारेगा, उसका डोंगी पे लगे। डंडा तो गया, एक अच्छा है, एक खा सकते हैं, ये मजा आएगा खाने में, लेना पड़ेगा। चलिए आज का एडवेंचर इतना काफी है। चलिए दो मारे बढ़िया वाला।
तो गाइस ये फतेहपुर डैम होते हुए ये आप लोग का वर्कशॉप आ गया, ट्रैक्शन मोटर शॉप के सामने में जो दिख रहा है, और इसका एंट्री थोड़ा सा आगे से टीएम गेट से होते हुए और इसके बाएं होते हुए हम लोग निकल जाएंगे इधर और नदी की तरफ। चलिए नदी की तरफ निकलते हैं, अभी बहुत टाइम है। अभी पिकनिक मना रहे हैं क्या सबके साथ? संडे का दिन है, वो तो काफी लोग हैं, देख रहे हैं बहुत लोग हैं। नीचे चला जाए, चलिए नीचे चलिए। हाँ नीचे ही जाते हैं, उधर ही घूमने लायक जगह है, पानी वानी में काफ़ी लोग हैं जी। गर्मियों में ना नहाने में बड़ा मज़ा आता है, वो सामने वाला है ना पानी बस 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 पानी ज़्यादा है नहीं उसमें, इतना मज़ा आता है। गर्मी लगता है या तो ठंडा पानी फ्लोइंग है ना तो ठंडा मज़ा आता है नहाने में, एकदम कूल कूल लगता है। उधर लोग फोटो शूट करा रहे हैं, पानी अभी कम है और थोड़ा सा गर्मी बढ़ेगा ना तो दोपहर में आकर के इधर स्नान करने में बहुत मज़ा आता है। ठंडा ठंडा पानी बहता पानी है, पत्थर है तो नहाने में कोई दिक्कत नहीं होता है और पानी ज़्यादा भी नहीं रहता है कि डूब जाए कोई, नहाने में बहुत मज़ा आता है। और हम लोग आते हैं अक्सर चितरंजन का, तो यही है खूबसूरती, बहुत सारा सारा ये तो गिलास तोड़ के रखा है सब, बोतल नहीं तोड़ दिया पीने के बाद, कि बहुत सारा चीज़ नेचुरली मिलता है, स्विमिंग पूल का ज़रूरत नहीं है, यहीं आइए स्नान करिए नेचुरल वाटर में एकदम, बहुत मज़ा आता है। और इधर अभी शाम को भी लोग बहुत सारे आए हुए हैं और कुछ लोग आ भी रहे हैं, क्योंकि शाम को यहाँ पे टाइम स्पेंड करने में अच्छा लगता है। और चलिए इस वीक के लिए बस इतना ही रखेंगे, अगले वीक में फिर मिलेंगे आप लोग के साथ और अगले वीक देखते हैं क्या एक्सप्लोर करते हैं, और आप लोग बने रहिए तब तक के लिए बाय बाय। मेरे चैनल को लाइक करिए और अच्छा लगे तो, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और इन्जॉय करिए चितरंजन को, और कितने सारी एक्सप्लोर कर रहे हैं उन सारी चीज़ों को इन्जॉय करिए और बने रहिए। अभी हम लोग देखिए इधर से जा रहे हैं, चप्पल निकालेंगे, हम लोग तो चप्पल नहीं पहने हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और यहीं से हम लोग क्रॉस करेंगे। चलिए क्रॉस करते हैं, चप्पल पहने डूब गए हम लोग, ज़्यादा पानी है नहीं है, ज़्यादा नहीं है। चलिए हो गया काम खत्म, निकल जाएंगे। काई है इसके, काई है घर पर, काई है पूरा, कुछ नहीं होगा। चलिए बस ध्यान से, इधर नहीं काई है आगे में, ओ काई है, ओ काई है, आराम से पैर रखना है, क्यों काई तो है पर आराम से रखना है। इधर से निकलेंगे कैसे? नहीं निकलेगा, पहुँच जाएंगे और इधर हम लोग और इधर तो और गड्ढा है जी, तो दूर से लगा कि इधर पत्थर, ये देख रहे हैं और गड्ढा है इधर तो, इधर से आते ना हम लोग उल्टा साइड आ गए, यहाँ निकल सकते हैं, निकल के देखे क्या है, यहाँ निकल जाएंगे, यहाँ निकल जाएंगे ना तो वैसे वैसे जा सकते हैं, लेकिन बहुत स्लिपरी है, काई है बहुत सारे। रिकॉर्ड नहीं कर पाए, मेरा कैमरा बंद हो गया था। लगा गिर गया, ज़्यादा नहीं था उतना पानी, थोड़ा सा था। ना वहाँ उधर ज़्यादा दिक्कत नहीं है। क्या मस्त नज़ारा है, एडवेंचरस हो गया, एडवेंचरस हो गया। अब आया उस पहाड़ के नीचे, चप्पलवा के नीचे बालू हो जा रहा है ना, अरे ये तो माँ इधर से निकल सकते हैं, ये यहाँ से ऐसे कम पानी वो डेंजर लग रहा है।
जा सकते हैं लेकिन डेंजर है, क्या रिस्क है, थोड़ा पानी का मजा कर ले सकते हैं, कर ले सकते हैं, ज़्यादा पानी नहीं है, कितना क्रिस्टल क्लियर पानी है। गर्मी में बड़ी मज़ा आता है नहाने में, चलिए चलते हैं वापस जाते हुए आफ्टर इवनिंग विजिट।